सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प के शेयर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आज तारीख है 24 मई 2021 और यहाँ पर हम वीकली चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं, यानी प्रत्येक कैंडल यहाँ पर एक वीक का डेटा शो कर रही है और यहाँ पर हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो लंबी अवधि यानी 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए होने वाला है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए, डेल्टा कॉर्प के अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो कुछ सालों पहले करीब 2018 के आसपास ये शेयर करीब 400 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आता था, लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट होती चली गई और लॉकडाउन के पहले तक की अगर बात करें तो करीब 215 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा था। लॉकडाउन में इसमें भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और इसने करीब 60 रुपए के आसपास तक का लो बना दिया, यानी 215 से ये शेयर करीब 60 रुपए पर पहुंच गया। लेकिन लॉकडाउन के बाद इसमें रिकवरी तो देखने को मिली, लेकिन अपने पुराने प्राइस पर पहुंचने में अभी इसको थोड़ा सा देर है, यानी इसका जो पुराना प्राइस था करीब 215 रुपए के आसपास का था लॉकडाउन के पहले का, और अभी ये शेयर करीब 175 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 40-50 रुपए ये शेयर अभी अपने पुराने प्राइस से दूर है। निश्चित ही इसमें तेजी देखने को मिलेगी और यहां पर अगर लेवल्स की बात करें तो यहां पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। आप यहां पर देखें, एक लेवल आपको दिखेगा करीब 166 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस था, जिसका आज के दिन इसने ब्रेकआउट यहां पर किया है। आप देख सकते हैं यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी कि इसमें बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आ सकती है और इसका जो नेक्स्ट लेवल है करीब 190 रुपए इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, ये जो 190 रुपए का लेवल है आपको 1 से 5 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी कल भी देखने को मिल सकता है, परसों भी देखने को मिल सकता है, या फिर 5 दिन के अंदर। आप आज से 5 दिन गिन लीजिए, आज से 5 दिन के अंदर आपको ये 190 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो निश्चित रूप से इसमें फिर 216 रुपए तक जाने के रास्ते खुल जाएंगे, यानी कि इसका जो पहले पुराना लेवल था लॉकडाउन के पहले वाला लेवल, वहां तक ये जो शेयर है जाने के लिए रास्ते इसके खुल जाएंगे और वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। अब देखिए, वहां तक पहुंच गया और वहां पर अगर ब्रेकआउट फिर होता है तो यहाँ पर फिर 250 रुपए के लेवल आपको देखने को इस शेयर में मिल सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको 1 से 5 दिन का बता दिया कि 190 रुपए आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ये मैं बाकी के लेवल बता रहा हूँ ये आपको 3 महीने या 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, क्योंकि देखिए ये शेयर काफ़ी तेजी से यहाँ पर बढ़ता है, लेकिन इसमें जो है तेजी देखने को मिल रही है। जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, मतलब जो पहला वाला लॉकडाउन था उसके बाद से जो गिरावट हुई थी, उसके बाद से इसमें अप ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये शेयर 216 रुपए के लेवल तक जल्दी ही जाएगा, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर निश्चित रूप से जाएगा। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सही मौका है, लेकिन अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अभी ये शेयर ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है और आप इसमें आज ही पोजीशन बना सकते हैं, आज यानी कि कल के दिन इसमें खुलते ही मार्केट पोजीशन बना सकते हैं और निश्चित रूप से 1 से 5 दिन के अंदर जो टारगेट आते हैं उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर 274 रुपए के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको फिर से बता दूं, 175 से 274 रुपए के लेवल में करीब 100 रुपए का अंतर है और ये जो अंतर आपको जो फुलफिल होगा करीब 1 साल का वक्त इसमें लग सकता है, 1 से 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है, तो आपको पेशेंस के साथ इंतजार करना है। देखिए, वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट तो 3 महीने और 6 महीने 1 साल के लिए ही देखा जाता है, मतलब लंबी अवधि के लिए देखा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए जो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, तो ये लेवल आपको 1 साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और शेयर काफ़ी बेहतरीन है और निश्चित रूप से इस शेयर में आपको ट्रेडिंग भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है और करीब 190 से 195 रुपए के लेवल आपको 1 से 5 दिन में ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी भी हो सकता है और लॉन्ग अवधि के लिए भी आप खरीदना चाहें तो यहाँ से आप इनिशिएट कर सकते हैं। निश्चित रूप से जिसके पास शेयर्स इसके पड़े हुए हैं आपको होल्ड करके रखना है, बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपका लंबी अवधि का व्यू है तो निश्चित रूप से आप टारगेट बना के चलें कि मुझे 274 के बाद ही इस शेयर में बिकवाली करनी है। तो निश्चित रूप से आपको इस शेयर में जो है
खरीदारी का बढ़िया मौका है, होल्ड तो आपको करना ही है, साथ ही साथ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए ये मेरा व्यू है, आप यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार ही यहाँ पर कोई भी पोजीशन लें, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल और केवल आपकी सुविधा के लिए, सजेशन के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। आप जो भी पोजीशन बनाएंगे उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होंगे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।